उल्लासनगर के खड्डों को महानगर पालिका ने भर दिया है। यह तो हुआ खबर का असर। आपको पता है कुछ लोग गंदगी तथा अभाव में रहने के आदि हैं। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए लेते इस पर पूरी रिपोर्ट। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो खबर बताएं वो प्रशासन तक जाए और जनता की जो परेशानी है वो प्रशासन तक पहुँचा कर उसका कोई ना कोई निवारण निकाले। ऐसे में जो है खबर चलती है उसका असर भी होता है। केवी रोड की हमने आपको खबर बताई थी, शहर भर के रास्तों के गड्ढों की खबर बता रहे, जिसके बाद स्थायी समिति सभापति टॉनी शिरवानी ने जो है केवी रोड की हमसे बातचीत के दौरान बताया था कि थोड़े दिनों में ही काम हम शुरू कर देंगे ताकि जो जिस तरीके से दुर्घटनाएँ हो रही है लोगों को उससे राहत मिल सके। उसका काम जो है रात के समय में आप देख सकते हैं कि केवी रोड में कई जगहों पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे उसको बुझाने का काम किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो सीमेंट है उसके ऊपर से गाड़ियाँ ना जाए या फिर लोग ना जाए तो उसका नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार देखिए पत्रकारिता वो होती है कि सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाए। प्रशासन अगर कहीं ना कहीं गलती करता है तो हम उसकी तस्वीरें आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं अगर राजनेता गलती करते हैं तो हम आपको उसकी तस्वीरें बताते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ जब हम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जब हम आपके लिए काम करते हैं तो जब प्रशासन उस चीज़ को देखकर उसके ऊपर कार्रवाई करता है या फिर उसको सुधारने का काम करता है तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी जो है एक कदम आगे आएँ और जिम्मेदारी को निभाएँ। अब कल की तस्वीर देखिए कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई लोगों ने जाने गंवाई है यहाँ पर, कई लोगों की जो है दुर्घटनाएँ यहाँ पर होती है। प्रशासन ने जब खबर देखी तो वहाँ पर जो है काम किया गया लंबे समय के बाद, लेकिन देखिए बैरिकेड्स रात को यहाँ पर लगाए गए थे लेकिन वो बैरिकेड जो है कुछ हम यही कहेंगे कि जनता तो नहीं होगी क्योंकि जनता इस तरीके से काम नहीं करेगी, लेकिन असामाजिक तत्व जो है जिन्हें कहीं ना कहीं ये चाहिए रहता है कि शहर में विकास ना हो या फिर किसी तरीके का कार्य ना हो, तो जनता की भी जिम्मेदारियाँ बनती है कि जब काम होता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं खुद भी देख रेख करें। कल रात को लगाया गया था बैरिकेड्स को हटा दिया गया। अब आप देख लीजिए कितना यहाँ पर, जो कि ये पब्लिक का ही पैसा है, आप खुद जो ऐसे ख़राब कर रहे हैं, जब काम हो रहा है तो उसे हटा देते हैं बैरिकेड्स को, और अब देखिए कितने तरीके से जो है इसके ऊपर भी पैसा खर्च किया गया और पूरी सीमेंट जो है उखड़ की है। यानी कि ये है कि प्रशासन तक हम आपकी गुहार पहुंचाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन की जब कार्य होता है तो वो उसमें एक कदम आगे आए और जिस तरीके से जो काम हो रहा है उसको जो है कहीं ना कहीं समर्थन करें, इस तरीके से गलतियां ना करें। केवी रोड का या गड्ढे का परेशानी काफ़ी दिक्कत है, इसको लगातार हम बताते आ रहे क्योंकि लोगों की यहाँ पर जाने गई है, जिसके घर पर जान गई है वही समझ सकता है कि एक रास्ते पर चलते वक्त अचानक से कोई घर का सदस्य खो देता है तो कितनी बड़ी जो है उसके ज़िंदगी में ये जख्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी लापरवाही देखिए, काम यहाँ पे किया गया प्रशासन द्वारा लेकिन बैरिकेड्स भी लगाए गए लेकिन कुछ लोगों द्वारा, यानी कि हम जनता ही कहेंगे, हमने तो देखा नहीं कि किसने हटाया, लेकिन हटा दिया गया बैरिकेड्स और जो कोशिश हमारी थी कि राहत मिल पाए उस पर जो है एक बार फिर से पानी फिर गया। इसमें प्रशासन के लिए हम दोष नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जनता को भी जो है कहीं ना कहीं सोचना चाहिए क्योंकि देख लीजिए रास्ते पर सीमेंट लगा हुआ है, टायर के निशान हैं, देख भी रहे हैं कि रास्ते को बनाया गया है, भले वहाँ पे बैरिकेड्स अगर नहीं है, रात को लगाए गए थे हटा दिए गए लेकिन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझना हमारी भी जिम्मेदारी है। शहर में इस तरीके से विकास कार्य जब होते हैं हमारी कोशिश होती है कि जनता के लिए राहत पहुँचाए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना चाहिए कि जब विकास कार्य हो रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन पर ये ना कहें कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच रखेंगे कि कुछ नहीं होगा तो वाकई में कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो उसमें समर्थन जरूर करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।